ये कैसे होगा सर?
जो अगला हमारा आश्रय है वो क्या है, मिट्टी तथा झाड़ियों से बने घर। अब असम की बात तो खत्म हो गई, असम का बस इतना याद रखना है आपको कि बांस से बने घर होते हैं। मैं बार बार इसीलिए आप लोगों को रिपीट कराती हूँ ताकि दिमाग में आपके घुस जाए, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। आप इस क्लास में आए हैं तो यही कहीं आपको याद हो जाना चाहिए, साथ में आप नोट्स भी बनाते चलेंगे ताकि सीटेट निकालने के लिए कोई गुंजाइश ना हो। साथ ही आपके लिए ये भी है कि अगर आप यहाँ एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं तो आप कोई से भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें आप टेट देते हैं, यूपी टेट, सीजी टेट, एमपी टेट, बी टेट, चाहे वो आपका हरियाणा टेट हो, चाहे राजस्थान का हो, जहाँ भी एनवायरनमेंट से सवाल बन रहे हैं, तो उन सभी के लिए क्लासेस क्या होगी, महत्वपूर्ण होगी। आगे बढ़ेंगे, हमने दूसरा आश्रय क्या देखा, मिट्टी तथा झाड़ियों से बने घर। तो ये कहाँ मिलेगा, ये हमें मुख्य रूप से राजस्थान देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत में हमारा एक राज्य ऐसा है राजस्थान, तो राजस्थान में इस तरह के आश्रय देखने को मिलते हैं। अब इसके बारे में समझेंगे, अगर हम बात करें राजस्थान के आश्रय की, तो इस प्रकार के जो आश्रय होते हैं वो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म एरिया होता है, इसीलिए तो वहाँ की दीवारों को क्या किया जाता है, बहुत मोटा बनाया जाता है, जो मिट्टी की दीवारें होती है ना, इसलिए उसको क्या किया जाता है, परत दर परत करके मोटा बनाया जाता है। अब बात करते हैं, गर्मी तो होती ही है, दूसरा कारण क्या है कि वहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है और मिट्टी क्या करता है, ठंडकता देता है। तो और चीजों को हम समझेंगे, यहाँ पॉइंट्स पर ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार के घर मुख्यतः राजस्थान में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, घरों की दीवार क्या होती है, मोटी होती है तथा मिट्टी से बनी हुई होती है। अगर हम छत की बात करें तो छत में क्या लगा होता है, झाड़ियां लगा होता है। मतलब आप देखेंगे कि हमारा जो छत होता है, हम लोग उसमें क्या करते हैं, सीमेंट का उपयोग करते हैं, ठीक, कहीं कहीं पर क्या करते हैं, टाइल्स तो खैर ऊपर लगता है, सीमेंट का यूज होता है, ईंटे का प्रयोग होता है, पर यहाँ पर क्या किया जा रहा है, झाड़ियों का प्रयोग किया जा रहा है। कहाँ पर, राजस्थान के घरों में। इसके पहले हमने कौन सा राज्य देखा था, इसके पहले हम लोगों ने असम राज्य देखा था। असम राज्य का घर किससे बना होता है, तो हमने देखा बांस से बना होता है, अंदर में भी लकड़ी का प्रयोग होता है और बाहर में भी लकड़ी का प्रयोग होता है। साथ ही ये जो घर होता है वो जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचा होता है। लेकिन क्या राजस्थान में ऐसा होता है, नहीं। राजस्थान में क्या अंतर है, राजस्थान में अंतर ये है कि ये जमीन में ही रहता है किंतु इसकी जो दीवारें होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। तो एक आप की वर्ड्स लेकर चलेंगे ना तो आपको चीजें याद होंगी। असम की बात है तो असम को बांस से याद रखिएगा कि 10 से 12 फीट ऊंचा होता है, बांस से बना होता है। आपका राजस्थान से आए, मतलब अगर आपसे पूछे मिट्टी और झाड़ियां, तो याद रखिएगा वहां पर पानी बहुत कम गिरता है, इसलिए वहां की जो दीवारें होती हैं वो बहुत मोटी होती है। साथ ही दीवार किससे बना होता है, मिट्टियों से बना होता है, और जो छत बनाया जाता है वो झाड़ियों से बनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, दीवारों पर कई सुंदर आकृतियां भी देखने को मिलती है, घरों पर लिपाई की जाती है। क्यों लिपाई की जाती है, तो देखिएगा जहां पर भी मिट्टी का दीवार हो या मिट्टी का फर्श हो तो वहां पर हमेशा गोबर से लिपाई की जाती है ताकि वहां पर क्या ना लगे, कीड़े मकोड़े ना आए, तो ये भी एक रीजन होता है। छत बनाने में नीम एवं कीकर लकड़ी का भी उपयोग किया जाता है ताकि उसमें किसी भी प्रकार के कीड़ों का प्रभाव ना पड़े। हमें देखने में चीजें लगती है कि बस ऐसी है, सस्ता सा है, लेकिन नहीं, उसके पीछे बहुत एक साइंटिफिक रीजन होता है जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। अगर कोई व्यक्ति आश्रय बना रहा है तो निश्चित रूप से वो जिस वातावरण में रह रहा है उस वातावरण के अनुसार क्या कर रहा है, अपने आप को ढाल रहा है, उस एनवायरनमेंट के थ्रू अपने आप को क्या कर रहा है, सर्वाइव करने लायक बना रहा है। इमेज के थ्रू समझ सकते हैं, देखिए ये क्या है आपका, राजस्थान का घर है। ये छत किससे बना है, झाड़ियों से बना हुआ है। साथ ही आप देखिए ये पूरा मिट्टी का क्या है, मोटा दीवार है। इसमें कई तरह के पेंट्स भी किए गए हैं, डिजाइन किया गया, कितना प्यारा लग रहा है देखने में। अब ये सब चीजें ना देखने को नहीं मिलती है, आप राजस्थान में पर्टिकुलर जाएंगे तो देखने को मिलेगा, लेकिन आप ज्यादातर आसपास देखेंगे तो आसपास हमें क्या देखने को मिल रहा है, बिल्डिंग्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, छोटे से जगह में एक के ऊपर क्या बनाया जा रहा है, बिल्डिंग्स बनाया जा रहा है। तो ये सब भी क्या है, अब वो जो नेचुरल हुआ करता था ना, अब वो नेचुरल चीजें नहीं हो पा रहा है। मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट में हमें एक नेचुरल चीजें देखने को मिलती थी, जो प्राकृतिक नजारा होता था, वो अब क्या हो रहा है, विलुप्ति के कगार पर। क्योंकि हर किसी को लगता है कि अगर वो न्यू चीजों का उपयोग कर रहा है तो फैशनेबल है, वो मॉडल है। जबकि हम क्या कर रहे हैं, इस मॉडल दुनिया के कारण हम अपनी संस्कृति, अपना कह सकते हैं जो परंपरागत चला आ रहा है, उस परंपरा को तोड़ रहे हैं,
साथ में अपनी संस्कृति भी खोते जा रहे हैं। खैर, आपके एनवायरनमेंट में टॉपिक संस्कृति का भी आता है, कल्चर से हमेशा सवाल आते हैं, इसके बाद हम कल्चर को भी समझेंगे। अभी हम आश्रय पे बात करते हैं। अगला जो आपका आश्रय है वो कौन सा है? अगला जो आश्रय है आपका पत्थर तथा लकड़ी के बने घर। अब कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग रिविजन भी करते जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने असम देखा। असम के घर कैसे बने होते हैं? तो बैम्बू से, बांस से बने होते हैं, जो जमीन से 10 से 12 फीट क्या होते हैं? ऊंचे होते हैं। इसमें सिर्फ दो ही पॉइंट्स याद रखिएगा, अगर आपको दो पॉइंट्स याद है तो आप असम का जैसा भी सवाल आएगा आप बना लेंगे। तो इतना याद रखिएगा कि जमीन से क्या होते हैं, 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि बारिश में जो बाढ़ आता है ना, जो पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, उसके कारण कोई दिक्कत ना हो, इसलिए घर को हमेशा ऊंचा बनाया जाता है 10 से 12 फीट। साथ ही इसके बाद हमने क्या देखा था? इसके बाद हमने देखा राजस्थान का घर। राजस्थान का घर में क्या खासियत था? तो राजस्थान के घर में खासियत ये था कि वहां के जो आश्रय था, जो घर था, वो मिट्टी और झाड़ियों से बनता है। मिट्टी से क्या करते हैं? दीवारों को बनाया जाता है, जो दीवारें मोटी होती हैं। साथ ही अगर हम छत की बात करें तो छत के लिए झाड़ियों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम सामान्य भाषा में कभी कभी झोपड़ी कहते हैं। ठीक, तो ये अभी हमारे लिए झोपड़ी है, वास्तव में एकदम कह सकते हैं नेचुरल होम होता है। चलिए, अब अगला जो हमारा घर है वो क्या है? पत्थर और लकड़ी के बने हुए घर। पत्थर और लकड़ी, ये वाला जो घर होता है, ये जिस एरिया में पाया जाता है वहां के घर क्या किया जाता है? वहां के घर मुख्यतः लकड़ी और पत्थर के बनाए जाते हैं। आप ये घर देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या किया जा रहा है? लकड़ी का प्रयोग किया जा रहा है, साथ में यहाँ पर क्या हो रहा है? आपके पत्थरों का भी प्रयोग किया जा रहा है, जो अपने आप में बहुत ही सुंदरता का प्रतीक है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इस प्रकार का घर कहाँ देखने को मिलता है? तो इस प्रकार का घर हमें मनाली देखने को मिलता है, मनाली और जम्मू कश्मीर में भी। अगर आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो आपको यहाँ तरह तरह की चीजें देखने को मिलेंगे, जो अलग अलग कल्चर को क्या करता है, दर्शाता है। तो हम बात करते हैं लकड़ी और पत्थर के बने घर, तो ये कहाँ देखने को मिलते हैं? ये मनाली। मनाली कहाँ है? आपके हिमाचल प्रदेश में। साथ ही श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ है? आपके जम्मू कश्मीर में। तो ये भी आपको याद रखना है, आपके जो सी टेट में जो एग्जाम होता है, इवन अब तो यूपी टेट का भी आप एग्जाम देंगे, किसी भी स्टेट का एग्जाम देंगे, तो वहां पर राजस्थान राजधानी से डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है आपसे। क्या पूछ देता है? कि मैं पूर्व दिशा में इस राज्य पे हूँ, मैं अगर मुझे दक्षिण जाना है तो मैं किस राज्य में पहुंचूंगा। तो होता क्या है? होता ये है कि आपको सी टेट के लिए इवन कोई भी स्टेट का एग्जाम हो तो वहां पर आपको क्या करना है, आप चूंकि टेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर आप टेट का किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इंडिया का पूरे जो स्टेट होता है उसका लोकेशन पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट के बाद कौन सा स्टेट आएगा, क्योंकि अब सवाल का जो लेवल है वो बढ़ते जा रहा है। चलिए, ऐसे इलाकों में अधिक वर्षा और हीन वर्षा होती है। आपका जो हमने क्या देखा था, असम। असम में भी क्या होता था? अधिक वर्षा होती थी, जिसके कारण बाढ़ आता था, इसलिए घर को ऊंचा बनाया जाता था। लेकिन अगर हम मनाली और जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बारिश अधिक तो होती है, साथ में हिम वर्षा भी होता है, इसलिए मकान क्या बनाए जाते हैं? लकड़ी और पत्थर के बनाए जाते हैं। साथ ही छत जो होता है उसको ढलानदार बनाया जाता है। ढलान कैसे? ढलान ऐसे ताकि अगर कोई पानी या बर्फ गिरे तो वो क्या हो, गिर कर नीचे चला जाए, इसलिए छत को क्या बनाया जाता है? ढलान बनाया जाता है, ताकि पानी और बर्फ छत पर इकट्ठा ना हो, ये भी एक रीजन है ढलान बनाए जाने का। आप देखते होंगे घर इस तरह से बनाए जाते हैं ताकि पानी और बर्फ उस पर ना रुके। इमेज के द्वारा समझेंगे, ये देखिए, ये है, इसी की बात हो रही है, क्या है आपका? ढलान बना हुआ है, यहाँ पर कोई पानी या बर्फ रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा, इसीलिए छत को क्या बनाया जा रहा है? ढलान बनाया जा रहा है। अगर यहाँ पर श्रीनगर की बात आ रही है तो श्रीनगर में एक फैक्ट से याद रखिएगा, जो अपने आप में बहुत स्पेशल है, अगर कभी आपको श्रीनगर जाने को मिले तो आप वहां का चाय जरूर पीजिएगा। वहां की चाय को क्या बोला जाता है? वहां की चाय को कहवा कहा जाता है, जो बहुत ही बताया जाता है, बहुत टेस्टी होता है। क्या होता है इस चाय में, ऐसा क्या खासियत होता है? तो इस चाय में खासियत ये होता है कि इस चाय में वहां के लोग क्या करते हैं, इलायची और बादाम का प्रयोग करते हैं। मतलब चाय किससे बनता है? इलायची और बादाम से बनता है, जिसे वहां के लोग कहवा कहते हैं। अब यहाँ से भी डायरेक्ट सवाल बनता है कि कहवा किस जगह को कहा जाता है। अब इंसान कंफ्यूज हो जाता है, जगह, जबकि ये जगह नहीं है, ये एक पेय पदार्थ है चाय।
तो जो कहाँ पाया जाता है, आपकी श्रीनगर में पाया जाता है, और चाय को ही वहाँ के लोग क्या कहते हैं, कहवा कहते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में सारी बातें लिखी हुई हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ से सवाल बनते हैं। अगला जो है आपका जो आश्रय है वो क्या है, पत्थरों से बना घर। अब हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा, असम का घर देखा। असम का घर किससे बना था, असम का घर बांस से बना हुआ था। फिर हमने क्या देखा, राजस्थान का घर। राजस्थान का घर किससे बना हुआ था, तो हमने देखा राजस्थान के घरों को बनाने में या आश्रय में लकड़ी, लकड़ी मीन्स आपकी झाड़ियों का और किसका प्रयोग किया गया था, मिट्टी का प्रयोग किया गया था। और वो की जो दीवारें थी राजस्थान की वो क्या थी, मोटी थी, साथ में कुछ डिजाइन भी किया जाता है, पेंटिंग किया जाता है, जिसके कारण वो घर क्या लगता है, खूबसूरत लगता है। तो ये तो राजस्थान की बात हो गई। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा मनाली और आपके श्रीनगर के घर, जो मुख्यतः आपके कहाँ पाया जाता है, आपके जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक, ये हमने देखा। यहाँ के घर कैसे होते, तो यहाँ के घरों को हिम वर्षा और पानी से बचाने के लिए क्या किया जाता है, छतों को ढलान बनाया जाता है। और ये घर किससे बने होते हैं, तो लकड़ी और पत्थर से बने होते हैं। फिर हमने किसकी बात की, लकड़ी की बने घरों की बात की, और अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं पत्थरों से बने घर। तो ये भी अपने आप में क्या है, इम्पोर्टेंट है। आश्रय से हर साल किसी ना किसी रूप में सवाल बनते ही बनते हैं, तो आप लोगों को ये टॉपिक कवर करना ही है। अगर हम बात करें पत्थर के बने घर, तो पत्थर के बने घर मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, लद्दाख में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। आप सभी को पता होगा, ये जीके जीएस में भी पूछा जाता है कि ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाने जाने वाला जगह कौन सा है, तो ये जगह कौन है आपका, लद्दाख। अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान या ले ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। ठीक, और यह जो घर होता है, कौन सा घर, जो पत्थर का बना घर होता है वो दो मंजिला होता है। लद्दाख में जो घर बने होते हैं ना, उसकी विशेषताओं को बता रहा है। सवाल क्या करता है, विशेषताओं से डायरेक्ट पूछ देता है, तो ये सभी आपको समझना है। तो जो घर होता है वो दो मंजिला होता है। घरों की दीवार की बात करें तो घरों की दीवार पर मिट्टी और चूने से क्या की जाती है, पोताई की जाती है। घरों को मजबूत बनाए रखने हेतु पेड़ों के मोटे तने का भी इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पर, लद्दाख में। लद्दाख के जो घर होते हैं तो वहां पर क्या किया जाता है, मिट्टी और चूने से पोताई की जाती है। साथ ही घरों को मजबूत बनाए रखने के लिए पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, दो मंजिला घर होता है। अब दोनों मंजिला है तो दोनों मंजिले में कुछ तो रहता होगा, तो खासियत क्या है इस दोनों मंजिलों में, तो याद रखिएगा जो तीसरा मंजिल होगा, निचला मंजिल, उस मंजिल पर जानवर एवं आवश्यक सामान को रखा जाता है। जानवर को तो हम ऊपरी मंजिल में नहीं रख सकते, तो जानवरों, क्योंकि क्या करते हैं, वहां पाला जाता है जानवरों को, तो जानवरों को नीचे रखा जाता है, साथ ही उनके जो आवश्यक सामान होते हैं उसको भी तीसरी मंजिल में रखा जाता है, और पहली मंजिल में वो स्वयं रहते हैं। पहली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती है, फल और सब्जियों को छत पर सुखाया जाता है। क्लियर हुआ, ये सभी ना जो आपका विशेषताएं है वो स्टेटमेंट में आ जाता है, और आपसे पूछता है ये सभी विशेषताएं किस राज्य में पाई जाती है। ऊंची इमारतें, अब रही बात ऊंची इमारतें, तो ये आपको याद रखना है, ऊंची इमारतें कहाँ देखने को मिलती है, ज्यादातर शहरी इलाकों में मिलती है, दिल्ली। यहाँ पर एनसीईआरटी में दिल्ली का नाम लिया गया है कि दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिलती है। आपका जो एनवायरमेंट का एनसीईआरटी बुक है, वहां बच्चों को पढ़ाया जा रहा है आश्रय, तो वहीं पर यहाँ बात होती है कि दिल्ली एक ऐसा जगह है जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि वहां पर जनसंख्या बहुत अधिक है, स्पेस बहुत कम है, तो लोग क्या कर रहे हैं, उस जगह के अनुसार खुद को ढाल रहे हैं, छोटा सा जगह लेकर एक के ऊपर एक क्या करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते जाते हैं। क्लियर हुआ, इसीलिए बोला जाता है कि वहां बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिलती है। सामान्य रूप से इस प्रकार के घर समतल मैदानी क्षेत्रों, शहरों तथा अधिक जनसंख्या वाले जगहों पर बनाया जाता है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ऊंची इमारतों की बात हो रही है। निश्चित रूप से जहाँ जनसंख्या अधिक होगी, जहाँ का जो एरिया होगा समतल होगा, वहां पर ही देखने को ये जगह ज्यादा मिलता है। और अगर हम ऑल ओवर बात करें तो ज्यादातर
ज्यादातर इसी तरह के घर हमें देखने को मिलते हैं, आश्रय देखने को मिलते हैं। कौन से? ऊंची इमारतें और बिल्डिंग। हाउस बोट, यहाँ से सवाल बनते हैं, ये भी अपने आप में बहुत कह सकते हैं खूबसूरत आश्रय है, क्योंकि लोग अक्सर इसका उपयोग किसमें करते हैं, जो घूमने जाते हैं वो लोग हमेशा इसका आनंद उठाते हैं। जम्मू कश्मीर आप जाएंगे तो आपको श्रीनगर में ये जगह देखने को मिलेगी। चलिए अगर हम बात करें हाउस बोट की, जो हाउस बोट है, इस तरह के बोट मुख्यतः जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर में डल झील में, कौन से झील में? डल झील में। तो डल झील में पर्यटक अक्सर जाते रहते हैं। और हमेशा क्या करते हैं, इस नजारे का फायदा उठाते हैं, इस आश्रय का फायदा उठाते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्या किया जाता है, ये जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए होता है, क्योंकि अपने आप में बहुत, आपको शायद ही किसी स्टेट में इस तरह का घर देखने को मिले कि एक नाव है, उस पर क्या बनाया जा रहा है, घर बनाया जा रहा है और उस पर लोग चल रहे हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत एक कह सकते हैं विशिष्ट गुण है। तो कहाँ पाया जाता है ये? जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। और ये कौन से झील में? तो डल झील में। डल झील को याद रखना है, अक्सर देखने को मिलता है। अर्थात ज्यादातर हाउस बोट पर्यटकों के लिए बनाया जाता है। विशेष रूप से इसको किसको ध्यान में रखकर बनाया जाता है? तो पर्यटकों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, किसकी लंबाई की? हाउस बोट की। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 80 फीट तथा चौड़ाई 8 से 9 फीट होती है। ये आपको अमाउंट भी याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि इसकी लंबाई कितनी होती है। तो इसकी लंबाई 80 फीट और चौड़ाई जो होती है वो 8 से 9 फीट होती है। इस बोट पर हुई सुंदर नक्काशी को खत्म बद्ध कहते हैं। सवाल डायरेक्ट आया था आपका एनसीईआरटी से कि खत्म बद्ध किसे कहते हैं। तो आपका जो खत्म बंद होता है, तो जो नक्काशी की जाती है ना नाव पर, उसे ही हम क्या कहते हैं? खत्म बंद कहते हैं। इमेज के द्वारा समझेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको एक सुंदर सा नक्काशी देखने को मिलेगा, तो यही नक्काशी को हम क्या कहते हैं? खत्म बंद कहते हैं। अभी हमने क्या समझा? अभी हमने समझा खत्म बंद। तो क्या होता है खत्म बंद? तो हाउस बोट के ऊपर जो सुंदर नक्काशी की जाती है उसे ही हम खत्म बंद कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला जो आपका आश्रय है वो है टेंट। ज्यादातर टेंट किसके द्वारा बनाया जाता है? जो आप देखेंगे खाना बदोश लोग रहते हैं, ये टेंट होता है, और एक खास प्रकार का टेंट होता है। अब हम समझेंगे कि किस टेंट की बात हो रही है। टेंट का ज्यादा इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसका रीजन ये है कि टेंट को हम क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं। इसलिए आमतौर पर इसका उपयोग पिकनिक में देखने को मिलता है। आप कहीं टूर पे जा रहे हैं तो अगर कुछ नहीं है तो आप स्वयं का टेंट निकालते हैं और लगा लेते हैं। लेकिन अभी हम जो बात करेंगे वो एक विशेष प्रकार का टेंट होगा। क्या है इस टेंट की बातें? तो ये जो टेंट होता है ये अस्थायी निवास होता है। निश्चित रूप से अभी हमने कहा कि जो टेंट होता है, जब लोग जाते हैं तो उनके पास कुछ नहीं होता तो वो टेंट लगाते हैं और तुरंत निकल लेते हैं। और आप इसे कहीं पर भी, जंगल जा रहे हैं, पहाड़ जा रहे हैं, मैदानी एरिया में जा रहे हैं या किसी अननोन जगह जा रहे हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाकी आश्रय का उपयोग कर रहे हो तो उसमें एक पर्टिकुलर क्या होगा, एक चीज चाहिए होगा, सामान चाहिए होगा, एक स्पेस चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए, टाइम चाहिए, तो वो सबको मिलाकर क्या बनेगा, आप उस आश्रय को बना सकते हैं। लेकिन टेंट क्या है? बहुत ही एक इजी हम कह सकते हैं आश्रय है। टेंट को क्या कहा जाता है? इसे रेबो कहा जाता है। अब देखिए जिस टेंट की हम बात कर रहे हैं वो सामान्यतः आम लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, लेकिन अभी जिस टेंट की हम बात कर रहे हैं उस टेंट को रेबो कहा जाता है। क्यों रेबो कहा जाता है? तो इसलिए रेबो कहा जाता है क्योंकि इसे लद्दाख की एक जनजाति चांगपा जनजाति के द्वारा इसे बनाया जाता है। तो याद रखना है चांगपा जनजाति के द्वारा जिस टेंट का निर्माण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे रेबो कहा जाता है। डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है कि रेबो किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा लद्दाख में एक जाति होती है, जनजाति होती है, जिसे हम चांगपा जनजाति कहते हैं। तो चांगपा जनजाति द्वारा जिस टेंट का प्रयोग किया जाता है, बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम रेबो कहते हैं। अब कैसे होता है इस टेंट का निर्माण? तो ये टेंट जो होता है ना, हम लोग नॉर्मली जो टेंट यूज करते हैं वो पन्नी का बना होता है, कपड़े का बना होता है।
लेकिन जो चांगपा जनजाति टेंट बनाती है वो किसका बना होता है? तो ये है याक जो होते हैं ना, याक, तो याक के बालों से इस टेंट का निर्माण किया जाता है, इसीलिए इसे का क्या कहा जाता है? रेबो कहा जाता है। अब रेबो का मतलब क्लियर हुआ, रेबो क्यों कहा जाता है? रेबो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे लद्दाख के चांगपा जनजाति द्वारा बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? तो यह याक के बालों से बनाया जाता है, एक विशिष्ट रूप से, क्योंकि लद्दाख में क्या होती है, ठंडी बहुत ज्यादा अधिक होती है, तो उस ठंड से बचने के लिए इस विशेष पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम रेबो कहते हैं। नेक्स्ट आश्रय की हम बात करें तो अगला आश्रय क्या है आपका? अगला आश्रय है आपका डोंगा। ये डोंगा हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये भी हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। अब आप इमेज देख रहे होंगे डोंगा, तो डोंगा में भी क्या हो रहा है, नाव है, नाव के ऊपर घर बना हुआ है। अब मन में सवाल आता है कि अभी हमने क्या पढ़ा था, इसके पहले हम लोग बोट हाउस देखे थे, तो दोनों में फर्क क्या है? वो जो था वो स्पेशली जो ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक, उनके लिए था, लेकिन ये वाला जो है डोंगा, डोंगा में लोग, स्थानीय लोग रहते हैं, लेकिन उसमें स्थानीय लोग नहीं रहते हैं। और उसमें क्या होता है, उसमें एक बढ़िया डिजाइन किया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी डिजाइन नहीं होता है, तो ये दोनों में क्या है, फर्क है। चलिए अगर हम डोंगा की बात करें तो ये झेलम नदी में देखने को मिलता है। ये क्या है आपका, डोंगा का इमेज है। तो इस हाउस बोट की तरह ही होता है, हम लोग क्या देख रहे थे, हाउस बोट, तो हाउस बोट की तरह, इसलिए इसे हाउस बोट की सिस्टर भी कहा जाता है, बहन कहा जाता है, क्यों? क्योंकि देखने में ये सेम लगते हैं, लेकिन इनमें कुछ बेसिक अंतर होते हैं, कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। क्या डिफरेंस होता है? तो ये नक्काशी रहित होता है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक, इनमें अलग अलग कमरे बने होते हैं, ये खासियत है इसकी, साथ ही इस पर स्थायी लोग रहते हैं। सबसे बड़ा अंतर हमें क्या देखने को मिला कि हाउस बोट में अस्थायी लोग रहते हैं, लेकिन आपका जो डोंगा है उसमें स्थायी लोग रहते हैं। दूसरा अंतर क्या है कि हाउस बोट में एक स्पेशल नक्काशी होती है, लेकिन आपका जो डोंगा होता है उसमें नक्काशी देखने को नहीं मिलता, ये सामान्यता स्थानीय लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। कश्मीर में मकान की खिड़कियां बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं, इन्हें डब कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस फैक्ट को याद रखिएगा कि कश्मीर में जो मकान की खिड़कियां होती हैं वो बाहर की ओर उभरी हुई सी लगती है, इसे हम क्या कहते हैं, डब कहते हैं। इग्लू हाउस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हमने देखा कहीं पर गर्मी अधिक हो रही है तो कहीं पर बारिश अधिक हो रही है, कहीं पर हिम वर्षा हो रही है तो कहीं पर बाढ़ आ रहा है, तो कहीं पर क्या हो रहा है, कहीं पर चलती हुई नाव के द्वारा घरों का निर्माण किया जा रहा है, तो इस आधार पर हमने अलग अलग आश्रय देखा। अब बर्फ में भी क्या होता है, एक आश्रय होता है जिसे हम इग्लू हाउस कहते हैं। अब देखते हैं इसे बर्फ का घर कहते हैं या इग्लू हाउस कहते हैं, तो इसकी क्या खासियत है, इस खासियत को भी हम समझेंगे। अगर हम बर्फ से बने घर की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, इग्लू हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो इग्लू जो होता है बर्फीले और ठंडे इलाकों में रहने वाले लोगों द्वारा बनाया गया आश्रय होता है, ये पहला पॉइंट हो गया। किस आकार का होता है? तो ये गुम्बद के आकार का होता है और किससे बना होता है, ये बर्फ से बना होता है। इग्लू का अंदरूनी हिस्सा गर्म होता है और इससे लोगों को ठंडे वातावरण में जीवित रहने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। तो ये भी क्या है, खासियत है, अगर आप इग्लू हाउस बना रहे हो तो उससे क्या रहेगी, आप बर्फीले एरिया में हो और आपको क्या लग रही, ठंडी लग रही है, और आप इग्लू हाउस में रहते हो तो उससे क्या होगी, अंदर तरफ गर्मी बनी रहेगी, अर्थात आप वहां पर नॉर्मल टेम्परेचर में रहेंगे, ठीक, इसीलिए इग्लू हाउस का निर्माण किया जाता है। इग्लू जो है वो बर्फीली क्षेत्र में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है। अब कैसे बनाया जाता है, आप इमेज में समझिएगा, ये क्या है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है इस तरह, तो ये क्या है, इग्लू हाउस है। ये व्यक्ति आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, इग्लू हाउस का निर्माण कर रहे हैं, तो ये क्या आपका, इस हाउस की क्या खासियत है, इग्लू हाउस की, तो इग्लू हाउस में ये क्या होता है, गुम्बद के आकार का होता है तथा इनका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीली ठंडी हवाएं अंदर प्रवेश ना कर सके, यही कारण है कि इसका जो गेट होता है बहुत छोटा बनाया जाता है। बकरवाल लोगों के घर, बकरवाल, अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, बकरवाल,
बकरवाल मतलब बकरी, जो बकरी वो करते हैं ना, चलाते हैं, चराते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बकरवाल। तो यहाँ पर है बकरवाल लोगों का घर। क्या है इस लोगों के घर की खासियत, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं झोपड़ी जैसा बन रहा है, मिट्टी का बना हुआ घर है, और ऊपर में भी क्या किया जा रहा है, घास झाड़ियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो मुख्यतः ये क्या किया जाता है, जो बकरी चलाते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। चलिए इसके बारे में समझे, तो बकरवाल लोगों के घर लकड़ी व मिट्टी के बने होते हैं। ये मुख्य रूप से बकरियां चलाते हैं, क्या करते हैं, ये मुख्य रूप से बकरियां चराते हैं, इसीलिए इसे घर को क्या कहते हैं, बकरवाल लोगों का घर, अर्थात बकरियां चराने वालों का घर। इस प्रकार का मकान विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में बकरवाल जनजाति के द्वारा पाया जाता है। हमने जम्मू कश्मीर में कई प्रकार के आश्रय को देखा है। हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में हाउस बोट पाया जाता है, उसमें तंबू भी पाया जाता है। फिर हमने क्या देखा था कि बर्फ वहां पर हिम वर्षा होता है, और आपका क्या हो रहा है, वहां पर वर्षा अधिक हो रहा है, उस आधार पर भी घर हमने देखा है। फिर हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम बकरवाल जनजाति द्वारा बनाया घर देख रहे हैं। तो ज्यादातर आप अभी जितने भी आश्रय देखे उसमें सबसे ज्यादा आपकी श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में कई लोगों के द्वारा, कई जनजातियों के द्वारा अलग अलग तरह से क्या बनाया जा रहा है, आश्रय बनाया जा रहा है। तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने जो वातावरण होते हैं उसमें ढलने के अनुसार क्या करते हैं, अपने आश्रय का निर्माण करते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, शेल्टर कहते हैं, इसे ही हम आश्रय कहते हैं। आश्रय मीन्स रहने का स्थान, या सर्वाइव करने का एक कह सकते हैं घर। तो आश्रय, घर, शेल्टर, ये एक ही है। आज हमने शेल्टर को समझा, आश्रय को समझा। अगली कक्षा में हम आश्रय, आपका जो शेल्टर, जो आपका ईवीएस का एक थीम है, उससे भी पहले हम क्या देख रहे थे, एनिमल्स देख रहे थे, साथ में हमने बर्ड्स भी देखा था। तो शेल्टर, एनिमल्स और बर्ड्स, इनसे जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल होंगे वो सभी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ताकि अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन या टॉपिक मिस हो जाए तो हम उस क्वेश्चन के थ्रू से कवर कर लें। कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। साथियों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें, अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।